अभेद कहे जाने वाले इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को एक बार फिर से लेबनान ने चकमा दे दिया। शनिवार 18 अक्टूबर को फिर से एक ड्रोन लेबनान से इसराइल के अंदर भेजा गया और एक बड़ा बम धमाका किया गया है। इस हमले की बड़ी बात यह है कि ड्रोन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पास गिरा बताया जा रहा है। इसराइली सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले की पुष्टि की है, हालांकि लोग इस हमले को शनिवार की मौत से भी जोड़कर देख रहे हैं। ऐसा क्यों, यह हम आपको आगे बताएंगे। पहले हमले और उसकी इंटेंसिटी के बारे में जान लेते हैं। हमला नेतन्याहू के घर के पास हुआ, ये जानकर आपके दिमाग में सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ड्रोन गिरा, धमाका हुआ, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का क्या हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षित हैं। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद नहीं थे। घटना को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि ड्रोन एक खुले इलाके में गिरा था, जिसके चलते हमले में ना ही कोई घायल हुआ, ना ही कोई क्षतिग्रस्त हुआ, ना ही कोई मारा गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक IDF ने यह भी बताया कि ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम था और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में असफल रहा। उन्होंने इसे एक बड़ी सुरक्षा चूक माना है, क्योंकि ड्रोन हाइफा के बाहरी इलाके में तलाशी कर रहे सेना के हेलीकॉप्टर के ठीक बगल में ही उड़ रहा था। इजरायली डिफेंस फोर्स का यह भी कहना है कि 19 अक्टूबर की सुबह हाइफा में वार्निंग सायरन बजे थे, जो कि लेबनान से दागे गए रॉकेट की वजह से बजते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यह हमला याया सिनवार की मौत से क्यों जोड़ा जा रहा है। दरअसल शुक्रवार 17 अक्टूबर को बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, जंग खत्म हो सकती है अगर हमास बंधकों को रिहा कर दें और अपने हमले बंद कर दें, लेकिन हमास ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि एक इजरायली हमले में उनके लीडर याया सिनवार की मौत हो गई थी, जिसने इसराइल हमास युद्ध की आग में घी का काम किया। आपको यह भी बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इसराइल और हमास के बीच युद्ध में याया ही हमास का नेतृत्व कर रहा था। बता दें कि इससे पहले 13 अक्टूबर की शाम हिजबुल्ला ने ईरान पर बड़ा हमला किया था। हमले की इंटेंसिटी इस बात से समझनी चाहिए कि इसे 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए युद्ध के बाद से अब तक इसराइल पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक बताया गया था। हमले में इसराइल की सेना से 4 जवानों की मौत हो गई थी, 60 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई थी। इसराइल की इमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड एडोम के मुताबिक घायलों की संख्या कम से कम 61 थी। इसराइल की सेना की तरफ से इस हमले की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि हिजबुल्ला की तरफ से लॉन्च किए गए एक अननेम्ड एरियल व्हीकल ने बेन्यामिना के पास मौजूदा सेना के एक ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया। तो इस तरीके से लगातार इसराइल और हमास के बीच जंग की ये खबरें लगातार आती जा रही हैं। आज एक और नया हमला हुआ है। अब आपको एक ज़रूरी जानकारी सूचना दे देते हैं, एक बार फिर से ललन टॉप अड्डा जमने जा रहा है। इस बार बिहार में जम रहा है, जगह पटना का बापू सभागार। तारीख 25 अक्टूबर, यहाँ आपसे मिलेंगे एक्टर, एजुकेटर, सिंगर, IAS अफसर और एंटरप्रेन्योर। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। स्टैंड अप कॉमेडी और एक बढ़िया से नाटक का भी इंतजाम है। अड्डे में शामिल कैसे होना है, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए और रजिस्टर कर लीजिए। फिर हम होंगे, आप होंगे और होंगे अड्डे के भरपूर मज़े। आपका इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। दिल्ली से निकलकर बाहर ललन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार ललन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो dlalantop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। ललन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल, बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।